हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर स्टडी ग्रुप और आज हम कक्षा नौवीं का जो वार्षिक पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन नंबर वन से फाइव तक के क्वेश्चन देखेंगे जो कि पच्चीस नंबर के हैं तो चलिए आज हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और ये इसका पहला पार्ट है पार्ट वन और इसमें क्वेश्चन नंबर एक से पाँच तक ही शामिल होंगे हुँ, और अगले पार्ट में क्वेश्चन और आंसर लिखित रूप से अगले पार्ट में अपलोड कर दिए जाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है सही विकल्प ठीक है तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए बारह का एक बटा छ है क्या होगा ये ये होगा ऑप्शन नंबर बी ठीक है शंकु का आयतन होगा यह होगा एक बटे तीन आर स्क्वायर एच फिर उसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं इसका उत्तर होगा डी जीरो जीरो फिर है क्वेश्चन नंबर फोर बहुपद चार एक्स पांच एक्स और दो एक्स प्लस एक की घात है यानी चार एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स क्यू प्लस टू एक्स प्लस वन की घात क्या है यहाँ पे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तीन एक त्रिभुज के दो कोण तीस डिग्री व साठ डिग्री के हैं इसका तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा तो तीस और साठ दोनों मिलके कितने हो गए नब्बे डिग्री हो गए ठीक है तो जब त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग है वो तो 180 डिग्री होता है तो नब्बे ये तो दूसरा ऑप्शन हमारा होगा नब्बे इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दो है और इसमें जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ठीक है यानी यहाँ ब्लैंक दिए हैं तो 1 बटा चार धन तीन बटा चार बराबर इसका आंसर होगा एक और इसमें क्वेश्चन नंबर दो का आंसर होगा तीन क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर होगा जीरो और क्वेश्चन नंबर चार का आंसर होगा टू एंड कॉलम एच प्लस कॉलम और प्रयक्ता का अधिकतम मान एक होता है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीन निम्नलिखित में से सत्य सत्य लिखिए तो पहला इसमें सत्य है दूसरा सत्य है तीसरा इसमें असत्य है और चौथा सत्य है पांचवा असत्य है उसके बाद क्वेश्चन नंबर चार प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए ठीक है तो यहाँ इसका सूत्र लिखा है हेरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप ऐस का सूत्र लिखिए तो इसका होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू उसके बाद क्वेश्चन नंबर दो ऊपर फोर का पावर लगा हुआ है इसका मान होगा सोलह किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं तो चार प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का माध्य तीन होगा एक सिक्के को छालने पर चताने की प्रायिकता एक बट्टे दो होती है उसके बाद सही जोड़ियां ये दी हैं इन्हें आप देख के लगा सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गणित के अगले भाग के लिए ठीक है इसी गणित के अगले पार्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और की प्रश्न उत्तर के साथ में अगला भाग भी गणित का जो अपलोड कर दिया जाएगा अभी आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग